Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and safe. तो title और thumbnail देख के आप तो समझ ही गए होंगे. तो जी हाँ, आज का ये मेकअप ट्यूटोरियल कियारा अडवानी से इंस्पायर्ड मेकअप लुक है. उनकी फिल्म शेरशाह जो भी आई है उसमें एक सॉन्ग में उन्होंने कुछ ये वाला लुक क्रिएट किया था, तो वही लुक रिक्रिएट करने की मैंने कोशिश की है. उम्मीद करती हूँ आपको ये मेकअप लुक पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने फेस पर टोनर अप्लाई कर रही हूँ. तो इस टोनर अप्लाई करने से आपका जो पोर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और मेकअप आपका लॉन्ग स्टे करता है. आपके पीएच बैलेंस को ये मेंटेन करता है. उसके बाद मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स का ये लाइट मॉइस्चराइजर जेल लिया है. बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया था. मेरा कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गया था गाइस. तो यहाँ पर मैंने NYB का प्राइमर और उसके बाद ये फाउंडेशन मैंने लैकमे 9 to 5 का वार्म क्रीम करके फाउंडेशन था उसको मैंने लिया है. उसको पहले ब्रश की हेल्प से एक सार किया, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ. अब यहाँ पे NYB का मैंने कंसीलर लिया है. तो जहाँ जहाँ आपको हाइलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप लगा लीजिए इस तरह से. अगर थोड़ा सा डार्क सर्कल वगैरह है और माउथ के अराउंड आपको पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप लगा सकते हैं. और उनका जो लुक था कियारा का वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉफ्ट था, न्यूड मेकअप था, तो ज़्यादा कुछ मेकअप था नहीं, तो बस कुछ उसी तरह से लुक क्रिएट करने की मैंने कोशिश की है. थोड़ा सा आईलिड पे भी कंसीलर को लगा लें. कभी कभी हो जाता है ना, हम कैमरा को पॉज करते हैं और फिर मेकअप स्टार्ट कर देते हैं तो ऑन करना भूल ही जाते हैं, है ना. मेरे साथ ही नहीं, किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. उसके बाद कॉम्पैक्ट से मैं अपने पूरे फेस को सेट करूँगी. यहाँ पर NYB का मैंने कॉम्पैक्ट लिया है. आपको ये purple.com पे मिल जाएगा 100 के अराउंड. अब यहाँ पे स्विस ब्यूटी के आईब्रो पेंसिल लेके मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी. यहाँ पे जो मैंने शेड लिया है वो ब्राउन शेड में है. ये बहुत ही नेचुरल लुक प्रोवाइड करती हूँ आपको. तो इस तरह से मैं मुझे जितनी थिक थिन रखनी थी उस अकॉर्डिंग रखूँगी. आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. और उसके कैप पे जो ब्रश लगा था उससे मैंने अपने आईब्रो को सेट कर लिया. यहाँ पे मैंने एक आई शेडो पैलेट लिया है, उसमें मैंने ये नेचुरल ब्राउन सेट पिक किया है और उसको अपनी पूरी आईलिड पे मैं अप्लाई करूँगी. अच्छे से पूरी आईलिड पे लगा लेना, अच्छे से ब्लेंड कर देना है ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे और मेकअप बहुत ही नेचुरल लगे. तो दोनों आईलिड पे मैं अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का ये 24 हार्ट जेट ब्लैक काजल लिया है और इसको मैं अपने वाटर लाइन पर लगाऊँगी और अपर वाटर लाइन को भी टाइट लाइन कर लूँगी. उन्होंने कोई लाइनर वगैरह नहीं लगाया था, बस उनकी जो ये आईज है टाइट लाइन हुई थी. तो इसी तरह से अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लेना है. अब सेम ब्राउन सेट पिक करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा काजल स्मच कर दूँगी ताकि लॉन्ग स्टे थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे. आईलैस कलर लेके मैं अपने आईलैस को कर्ल करूँगी. उसके बाद यहाँ पर ब्लू हेवन का ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा मैं अप्लाई कर लूँगी. काफ़ी अच्छा मस्कारा है, आपको ये 200 में मिल जाएगा. बहुत ही अच्छे से आपके लैसेस को कर्ल कर देता है ये. आप आजकल मेरी वीडियो में यही यूज़ करते देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है. अगर आप बिगनर हो, कोई अफोर्डेबल मस्कारा ढूंढ रहे हो तो इसको ले सकते हो. यहाँ पे कोई फॉल्सेस वगैरह नहीं अप्लाई करना है तो मस्कारे के 2-3 कोट आप लगा लें. यहाँ पे सेम आई शेडो पैलेट से मैंने ब्लश शेड पिक किया और यहाँ पे पिंक शेड मैंने पिक किया है एज अ ब्लश. अप्लाई कर लूँगी मैं इसको. नोज को बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इससे थोड़ा सा नेचुरल लुक आता है. यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लेके मैं हाइलाइटर लगा लूँगी जहाँ अपने हाई पॉइंट पे, इस तरह से नोज़ पे, चीक पे, फॉरहेड पे और लिप पे, चिन पे लगा लेना. उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है यसेस हुडा की मैट मी लिपस्टिक जिसका शेड 05 है, न्यूड शेड है ये. तो काफ़ी अच्छा नेचुरल लुक प्रोवाइड करती है तो इसको अच्छे से लगा लेना है. अब यहाँ पे एक मैंने रेड कलर की बिंदी लगा ली है और कानों में इयररिंग्स पहन के मैंने यहाँ पे मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपने पूरे फेस को सेट कर दिया ताकि मेकअप लॉन्ग स्टे करे. ये मेकअप सेटिंग स्प्रे मेरा ब्लू हेवन का था. तो गाइज ये रहा मेरा फाइनल लुक. इस तरह से मैंने हेयर स्टाइल की है, जैसे इसमें कियारा का लुक था कुछ उसी तरह से रिक्रिएट करने की कोशिश की है. ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही नेचुरल और न्यूड मेकअप लुक है. एवरीडे में भी आप इस वाले मेकअप को कर सकते हैं.
अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, वर्किंग वुमेन हैं, तो भी आप इस तरह से कुछ मेकअप लुक कैरी कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये मेकअप लुक निकल के आया है। सेम उनकी तरह मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है, तो आप लोग बताइएगा कहाँ तक मैं कर पाई हूँ। उम्मीद करती हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना मेकअप कैसा लगा आपको।